आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मानहानि के मामले में राहुल गांधी दोषी करार हुए हैं, सजा हुई है उन्हें, और उसके बाद पूरे देश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, वो सड़कों पर उतर गए। देहरादून का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कांग्रेस दफ्तर से सड़कों पर बाहर उतर आए हैं और लगातार मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आरोप यही है कि मोदी सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, लोकतंत्र में बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हम बातचीत भी करेंगे, आपको सुनाएंगे कि क्या यहाँ पर इस समय तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं। आइए मेरे साथ, गरिमा दसौनी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं। मैम, क्या कहेंगी, दोषी करार हुए हैं, 2 साल की सजा भी हुई है, इसके अलावा और आता क्या है मोदी जी को? विपक्ष के दमन के अलावा भारत जोड़ो यात्रा की अभूतपूर्व सफलता के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सियासी जमीन है वो सरक रही थी, और उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम आया जिसने पूरी तरह से उनको बेचैन करके रख दिया। आज राहुल जी को जिस तरह से आप घेरने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, राहुल जी ने तो कुछ किया ही नहीं विदेश धरती पर। आपने जितना कुछ वहां बोला भारत देश के लिए, आपने कहा 2014 से पहले लोगों को लगता था हमने हिंदुस्तान में पैदा होकर पाप किया है। राहुल गांधी क्या है, मात्र एक सांसद, आप तो देश के प्रधानमंत्री थे, और आपका कहा हुआ एक एक वाक्य भारतवर्ष का वाक्य माना जाता है। अपने लिए कोई सजा नहीं, हमारे नेता के लिए सजा पर सजा। हमें समझ में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव नजदीक देखकर आप जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, यह आपको बैकफायर करेगा, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, इतने कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। आज भी हम पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, और उत्तराखंड पुलिस से कह रहे हैं गिरफ्तार करिए हमको, हमारे नेता पर जब जब आंच आएगी उतने बार आपको कांग्रेस कार्यकर्ता से होकर गुजरना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये जो आप राहुल जी के साथ कर रहे हैं, ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा, यह आपका सबसे बड़ा ताबूत में कील का काम करेगा। मैम, कोर्ट ने फैसला दिया है, आपको लगता है कि जुडिशरी से फैसला आया है, वहां पर कमजोर पड़े राहुल गांधी? नहीं, ये देखिए, जानबूझ के जो षड्यंत्र करा जा रहा था, आप कभी श्रीनगर के उनके बयान पर उनको घेर रहे थे, कभी आप उनके विदेश के बयान पर घेर रहे थे, और उसी समय पर यह संयोग नहीं हो सकता कि एक कोर्ट में राहुल जी की पुरानी कही हुई 2008-09 की बात को इस समय सतह पर लाया जाए। तो कहीं ना कहीं जब एक तर्कश फेल हो रहा है सत्तारूढ़ दल का, तो दूसरा तर्कश निकाल रहे, तीर निकाल रहे तर्कश। इस सजा को मान रहे हैं मैम, क्या कांग्रेस इसको स्वीकार कर रही है या हाई कोर्ट में जाएंगे? नहीं, हम और न्यायालय पर हमारी पूरी अगाध आस्था है, विश्वास है, और जहां कहीं भी ये फैसला आया है, अभी पूरी रिपोर्ट हमने पढ़ी नहीं है क्योंकि हम सड़कों पर उतरे हुए हैं, ऐसे में पूरी रिपोर्ट का अध्ययन करके हम अपनी नई स्ट्रेटेजी उत्तराखंड कांग्रेस तय करेगी। तो देखिए, तमाम बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। और क्या आपका नाम? मेरा नाम श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह जी, बताइए, 2 साल की सजा हो गई है, क्या कहेंगे? मेरा कहना ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो निराधार झूठी है, वो जबरदस्त लोगों को फंसा रही है, और ये तत्काल इनको पदों से हट जाना चाहिए। और मेरा ये कहना कि अगर ये भाजपा सरकार इस तरीके से लोगों के गला घोटने का काम करेंगे, तो हम प्रत्येक जनमानस सड़कों में आकर के इन लोगों को कुर्सियों से उतारने का काम करेंगे। ममता राकेश हमारे साथ है। मैम, 2 साल की सजा हुई है, जुडिशरी से फैसला आया है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, ये तानाशाही है सरकार की, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया जाएगा तो सभी कांग्रेसी जेल भरो आंदोलन करने का काम करेंगे। देखिए, जेल भरो आंदोलन अब चलेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं, इधर पुलिस ने बैरिगेटिंग भी कर दी है, और आप देखिए कि बैरिगेटिंग को तोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ता आगे को निकल गए हैं। पुलिस ने पहले से यहाँ बंदोबस्त किया था, लेकिन भारी संख्या में जो लोग हैं वो बैरिगेटिंग तोड़कर आगे निकल गए हैं। अब मांग ये है कि राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा आज मानहानि मामले में हुई है, उस पर ये आक्रोश कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहाँ सड़क में देखने को मिल रहा है। प्रीतम सिंह भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, 2 साल की सजा भी हुई है और जुडिशरी से फैसला है? देखिए, न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है उस पर मैं कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन देश के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर प्रहार हो रहा है, सत्ता में बैठे हुए लोग विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं,
राहुल गांधी जी ने इस देश की एकता अखंडता और संविधान के प्रति भारत जोड़ो यात्रा निकालने का काम किया है। सरकार उससे बौखलाई हुई है और लगातार राहुल गांधी पर प्रहार करने का काम कर रही है। और मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं, यदि कांग्रेस का दमन होगा, कांग्रेस के नेताओं का दमन होगा, तो हम सड़क पर उतर करके संघर्ष करने का काम करेंगे। इस सजा को क्या राहुल गांधी स्वीकार करेंगे, कांग्रेस स्वीकार कर रही है, या हायर कोर्ट में आप जाएंगे? सर देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि सत्ता में बैठे हुए लोग चारों स्तंभों पर जो है प्रहार करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए लगातार प्रीतम सिंह जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विधायक हैं, वो इस समय चल रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। एक जगह जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी उसे तोड़ा है, और उसके बाद जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो लगातार निकल रहे हैं। आज उत्तराखंड की भाजपा सरकार को भी एक साल का वक्त हुआ है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, और दूसरी ओर जो विपक्ष है वो बड़ी संख्या में देहरादून की सड़कों पर उतर आया है। एक जो पुलिस का बंदोबस्त था वो कहीं ना कहीं चरमाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बैरिकेडिंग पहले की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़कों पर निकले हैं। विरोध इस बात का है कि राहुल गांधी को मानहानि के जिस मामले में सजा हुई है, उस सजा को अदालत का आदेश सर्वोपरि मानते हुए निशाना केंद्र की मोदी सरकार है, और ये आरोप लगातार कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं कि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी पर रोक लगा दी गई है। राहुल गांधी चूंकि भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद अपनी पहचान और कांग्रेस का लोगों के प्रति एक जो ग्राफ लोगों में था वो बढ़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष यानी कि भाजपा बैकफुट पर है, और इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि राहुल गांधी या कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं उन्हें किसी तरह कटघरे में खड़ा किया जाए, उन पर सवाल उठाए जाएं। इन तमाम आरोपों के साथ आप देखिए यहां पर पुलिस ने रोक लिया है, हल्के बल का प्रयोग यहां पर पुलिस कर रही है, आगे 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 नहीं बढ़ने देना चाहती पुलिस। इसका कारण ये भी है कि आज यहाँ से करीब 100 मीटर दूर भाजपा सरकार का एक साल का कार्यक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद हैं, और इधर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आप देखिए कि जो कार्यकर्ता है उन्हें रोकने की कोशिश पुलिस कर रही है, बैरिकेडिंग एक पहले की गई थी उसे तोड़कर वापस आ गए, ठीक घंटा घर के सामने समय कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और यहाँ से करीब 100 मीटर आगे ही उत्तराखंड सरकार के एक साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जहाँ मुख्यमंत्री इस समय मौजूद है, और यहीं पर आप देखिए कि नीचे बैठ चुके हैं जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो घंटा घर के बीचों बीच सड़क पर बैठ गए हैं, और उन्होंने रोड को जाम कर दिया है, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश यहाँ पर कर रही थी, और यहीं पर बैठ गए हैं तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर थे बड़ी संख्या में। आरोप यही है कि राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश है, सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है, और लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र में गला घोटा गया है। हरीश रावत भी इस वक्त आप देखिए सामने हैं, हरीश रावत भी यहाँ आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या हरीश जी सर क्या कहेंगे, 2 साल की सजा किस रूप में दे रहे हैं? ये सारी स्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। राहुल गांधी जी को लक्ष्य बना करके उनको हतोत्साहित प्रताड़ित किया जा रहा है, और पूरा देश, लोकतांत्रिक शक्तियां राहुल गांधी के साथ है, और हमारा निश्चय है कि यदि राहुल गांधी जेल जा रहे हैं तो हमको भी जेल जाना। सरकार एक साल का जश्न मना रही है सर, 100 मीटर आगे, क्या कहेंगे? अब वो गड्ढों का जश्न मना रही है, महंगाई का जश्न मना रही है, किसानों और महिलाओं के उत्पीड़न का जश्न मना रही है, नौजवानों के उत्पीड़न का जश्न मना रही है। राहुल गांधी जेल जाना पसंद करेंगे या हायर कोर्ट में जाएंगे सर, आपको क्या लगता है? हम न्याय पर, हमको भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, और हम उसका सहारा लेंगे, जहां न्याय मिलेगा हम वहां तक जाएंगे। बिल्कुल, तो हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, और यहां पर पुलिस ने रोक लिया है, कांग्रेस के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को रोक लिया, हरीश रावत मौके पर पहुंच गए हैं। आपकी बातचीत हमने
आपको बताई कि हरीश रावत कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी का गला घोटा जा रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहीं पर बैठ गए हैं। इस समय घंटा घर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और सीधे तौर पर जो कांग्रेस की लीडरशिप है तमाम प्रदेशों में, उनका एक सीधा सा संदेश है कि अब अगर राहुल गांधी जेल जाते हैं तो उसके बाद कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता होंगे वो जेल जाने को तैयार रहें। ये हरीश रावत ने कहा है, ये बड़ी खबर है। हरीश रावत ने उत्तराखंड में ये ऐलान किया है कि अगर राहुल गांधी जेल चले जाते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक कर हर जेल को भर देंगे। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। बहरहाल देहरादून में कांग्रेस का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवर, जय भारत टीवी।